नमस्कार दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि हर एक इन्फ्लुएंसर, चाहे इंस्टाग्राम का हो चाहे यूट्यूब का है, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर, हर एक बंदा आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर ऐड कर रहा है, वहाँ पे जाकर के वीडियो बनाता है, कई लोग उनके पास आते हैं वीडियो बनवाने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर आज मैं सच में बताऊँगा कि किस तरीके से स्कैम चल रहा है और बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। जो स्कैम पहले चल रहा था वही स्कैम आज भी चल रहा है, कई लोगों के बंद करने के बावजूद भी इसको और ज़्यादा रफ्तार मिल चुकी है। किसको? स्कैम को। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ में वीडियो बन रही है आदिवासी हेयर ऑयल को लेकर, तो हर एक बंदा उसकी वेबसाइट और ऑफिशियल जो नंबर है उसको पब्लिक करते हैं ताकि वहाँ से तेल को मंगवाया जाए। आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे भरोसा नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कॉल पे भरोसा नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि बंदा फिर भी कोई और बात कर रहा है, तो दिल को तसल्ली देने के लिए वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, देख करके तेल मंगवा सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में चल रही है, हर एक इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को लेकर पब्लिक में बातें कर रहा है, क्योंकि भाई तेल के जो मालिक है उनका क्लियर कहना है कि जो हमारा तेल है ये किसी भी ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म में मौजूद नहीं है, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ोन है या कोई सा भी मान लीजिए। अगर मैं आपके सामने देखो, ये रहा मेरा फ़ोन, ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ। हाँ, आदिवासी हेयर ऑयल, देखो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है ये वेबसाइट, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा इसके अगर नीचे करते हैं तो नीचे करने पे क्या देखने को मिलता है, अमेज़ोन का भी दिख जाता है और बाकी जो वेबसाइट है उनका दिखता है। अभी आपको यहाँ पे ये देखो बहुत सारी जगह मिल जाता है, कहीं कहीं 499, कोई 999। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग जितने भी और प्लेटफॉर्म है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन, उन पे भी मौजूद है, लेकिन इनका तो क्लियर कहना है कि भाई हमारा मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो ये कहाँ से दिख रहा है, ये कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे कौन बेच रहा है? यहीं पे आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि यही जितने भी लोग बेच रहे हैं ये कोई लोकल की कंपनी बना रही है। बोतल के ऊपर इनका चेहरा लगा देते हैं ताकि ऑफिशियली तौर पर मालूम चल सके कि भाई इन्हीं का तेल है ये। पहला कारण यही है, नकली तेल पहचानने का, जिसको लेकर बहुत तगड़ी से स्कैम हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो भी तेल है वो किसी भी प्रकार से आधी लीटर से, 500 लीटर से कम नहीं आता है। आपको 50 ग्राम भी दिखेगा, 100 ग्राम भी दिखेगा, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ये सारे दिखेंगे, लेकिन वो जितने भी बेच रहे हैं ये सारे फ्रॉड है। ये सारे फ्रॉड वही है जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और मीशो और जितने भी ऐसे वेबसाइट हैं उन सभी पर मौजूद है, जो कि गलत है। ये स्कैम है और ये स्कैम बहुत तगड़े से चल रहा है। इस चीज़ को सभी इन्फ्लुएंसर भी मना कर रहे हैं कि भाई और जगह से मत लो, और जो कि मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीडियो को तो देख लेते हैं, वीडियो को देखने के बाद अच्छा ठीक है चलो ठीक है, अब सर्च करते गूगल पे, आदिवासी हेयर ऑयल आ गया, ये ले भाई, फ्लिपकार्ट का आ गया, ओहो इतना सस्ता, अच्छा ये तो छोटा भी है, चलो बुक कर दो। यहीं पर हो रहा है फ्रॉड। पैसा कहाँ जा रहा है? सेलर के पास। आपके पास क्या आ रहा है? केवल नवरत्न का ठंडा ठंडा कूल। लेकिन लोगों को क्या देखना है, बाय वन गेट वन फ्री, ओहो क्या बात है, फ्री का माल कौन छोड़ेगा, कोई भी नहीं। खैर अब तक तो ये आपको कंफर्म हो चुका होगा कि जियो मार्ट, अमेजोन, मीशो और जितने भी ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों में जितने भी तेल बिक रहे हैं सारा फ्रॉड है, सारा नकली है। लेकिन अब कुछ इस तरीके की भी वेबसाइट बन चुकी है जिसके चंगुल में भाई अच्छे से अच्छे होशियार भी फंस जाते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा है आदिवासी ऑफिशियल.com, कौन इसको नकली समझेगा, कोई भी नहीं। लेकिन असल में तो फ्रॉड वेबसाइट है, असली वेबसाइट है आदिवासी हक्की पिक्की कम्युनिटी.in। मैं किसी भी प्रकार से इस वीडियो में इसका पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ ऑफिशियली तौर पर गलत हो रही है, मुझे लग रहा है कि भाई इसके बारे में और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आज भी कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि इस तेल की अभी जितनी मार्केटिंग चल रही है ये थोड़ी कम है, लेकिन इसी तेल को अगर कोई अंग्रेजन लगाती और एकदम गोरी चिट्टी लगाती, भाई नेपालन या फिर लगा लेती ना, तेल की मार्केटिंग की वैल्यू इतनी खतरनाक हो जाती, मतलब लोग बना नहीं पाते तेल, इतना इनका तेल बिकता। लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसा सोचते हैं, शक्ल देखो इनकी, ये दो काले कुबड़े से किस तरीके के तेल बेच रहे हैं, आदिवासी लोग बताओ ये हमारे बाल सही करेंगे, पहले शक्ल तो सही से सुधार लो, लोग यहीं पर मार खा जाते हैं, तेल की क्वालिटी नहीं देखेंगे, आदमी की शक्ल की क्वालिटी देखेंगे। तो ये केवल इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो था कि अगर आपको तेल को लेना है तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से लीजिए या फिर इनका मोबाइल नंबर कंफर्म करके लीजिए,
ताकि इसका प्रॉफिट कोई और ना ले जाए। और अगर कोई घटिया कंपनी वाले इस तेल को बना रहा हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से, अगर कोई और ख़रीदता है और उस तेल का अगर किसी भी व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा आप खुद बताओ, डायरेक्ट इन पे ही नाम आएगा। तो ऐसी जगहों से तेल लेने से बचे, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए, खुद सावधान हो जाए और लोगों को भी सावधान करें। नमस्कार।